So if I ask you what inspired you, then you will say Suresh Mukund only inspired me. I firstly say my team. Your team inspires team. You. Yeah, of course. I've seen them struggling. I've seen them from no one, like nothing. They didn't have anything, no money, not even proper clothes to wear, no shoes. So, वो जर्नी मुझे ये तो पता है कि जूते तो नहीं थे. आपने बताया था वो बूगी बूगी वाले एपिसोड में कि बूगी बूगी के एपिसोड में जूते नहीं थे और उसके बाद किसी ने आपको जूता दिया. हमें वो भी याद है, वो जेनिफर लोपेज़ वाला मोमेंट. वो चीजें बहुत इंस्पायर करती है. एंड प्लस अभी और भी आगे बहुत बड़ी बड़ी चीजें आ रही है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. हमारे लाइफ पे कुछ चीजें बनने वाली है जो अभी हम रिवील नहीं कर सकते. बट देयर इज समथिंग रियली बिग दैट इज गोइंग टू कम इन लाइक नेक्स्ट ईयर और मेबी टू 2021. हाउ नाइस, लेट्स होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट. दैट्स वंडरफुल. बट यू व्हाट आई हैव बीन सीइंग इज ऑफ कोर्स टैलेंट है, लोग हैं, आप सबके साथ जुड़ते हो, लेकिन आई थिंक उन सबको एक दिशा जो देना है ना, वो आपने बहुत अच्छी दिशा दी है. चाहे वो कार्तिक हैं, चाहे सनी, जो भी सब आपकी टीम के मेंबर्स हैं इतने सारे, मैं तो दो ही जानता हूँ क्योंकि दोस्त से ही मिला हूँ अभी, बाकी सबसे मिलना बाकी है. बट व्हाट आई हैव सीन इज यू हैव गिवन देम अ ब्यूटीफुल डायरेक्शन एज अ ट्रू लीडर. हाउ डिड दैट काइंड ऑफ अ लीडरशिप कम इनटू यू? पता नहीं मेरे को, ऑनेस्टली बोलूं, फॉर मी इट वाज लाइक मेरी टीम को मैंने फैमिली मान के चला, लाइक एवरी ईच मेंबर. सो मेरे को एक internally I have that emotion, that soft corner for each one of them because we all are together since like more than a decade. And मैंने उनको देखा है छोटे उम्र से, like 13-14 years old से लेके अब तक. I really want it's not just about Suresh Mukund, it's about each member of my team जो अपनी life में आगे बढ़े और कुछ करे. So that was always like in my head कि मुझे हर किसी को boost up करके अपनी अपनी direction देना है, उनको अपने अपने तरीके से जीने देना है. मे बी देर माइट बी अ टाइम ऑल्सो कि कोई उठकर शायद और कुछ और लाइफ में करना चाहे, तब भी मैं नहीं रोकूंगा, तब भी मैं उनको जाने दूंगा, उनको करने दूंगा अपने लेवल पे. अगर अभी ऐसा हुआ है? हाँ होता है, मतलब ऑफ कोर्स लाइक एवरीवन हैज देयर ओन यू नो ड्रीम्स. सो एक पॉइंट पे मे बी अभी तक तो हुआ नहीं, बट आई फील कि एट टाइम्स हो सकता है कि कल को किसी के कुछ और सपने बन जाए या कोई और सोचता है मुझे कुछ और स्टेप आउट करके कुछ और जिंदगी में बनना. सो आई नेवर स्टॉप दैट. तो उसमें बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसा लगेगा? इफ समवन इज डूइंग गुड ऑफ कोर्स इट फील्स प्राउड. लाइक फॉर एग्जांपल जो X1X क्रू है एंड बहुत सारे मतलब इंडिया में क्रूज है जो कहीं ना कहीं हमारे पुराने क्रू से कनेक्टेड है. तो वो जब जैसे ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट गए एंड और भी काफी सारे क्रूज है जो रियलिटी शोज में यहाँ हुआ, तो जो कहीं ना कहीं मेरे ओल्ड क्रू से कनेक्टेड है, तो वो जब देखते हैं तो आई फील रियली हैप्पी कि चलो जिंदगी में कहीं ना कहीं हम सब कनेक्टेड थे, हमसे कुछ तो सीख कर एक दूसरे को सीख सिखा कर कहीं ना कहीं सब कर रहे हैं अपने लेवल पे काम. सो इट मेक्स मी हैप्पी पर्सनली, इट मेक्स मी हैप्पी. सो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बांध के रखूंगा, जिसको जैसा करना है करो. बट ये कहां से आती है बात, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि व्हेन यू स्टार्ट टू बिकम सक्सेसफुल या जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, आपकी एक टीम होती है, आप नर्चर करते हो, आप डेवलप करते हो. बहुत सारे लोग इसी बात में फंस जाते हैं कि उनको बांध के रखो किसी भी तरह. और आपने बड़ी अच्छी बात की कि बांधना नहीं है, मैं चाहता हूँ कि एवरीवन डज एवरीथिंग फॉर देमसेल्फ्स एज वेल एंड टुगेदर वी ग्रो. राइट. सो सी दैट देयर टू थिंग्स. एक तो होता है कि अगर मैं टीम को इस तरीके से बनाऊं कि उनको शायद जरूरत ही ना पड़े कहीं जाने की. हाँ, कहीं जाने की. सो दैट्स व्हाई वी ऑल आर टुगेदर टिल देट. अब तक हम सब साथ में. अप्स एंड डाउन्स तो ऑफकोर्स आते हैं, वो हर जगह पर आते हैं. क्लैशेस होते हैं, थॉट्स में चेंजेस आते हैं, टीम में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, बट अल्टीमेटली स्टिल वी ऑल आर टुगेदर. इतने साल निकल गए बट स्टिल वी ऑल आर टुगेदर. सो दैट्स वन थिंग. एंड अनदर थिंग, देन देयर इज द पॉसिबिलिटी व्हाट आई बिलीव कि एक पॉइंट के बाद वंस यू नो वी ग्रो एंड वी अंडरस्टैंड लाइफ इन अ डिफरेंट वे, तो हमको ऐसा लगता है कि मुझे ये भी अटेम्प्ट करना है, मुझे वो भी अटेम्प्ट करना है. सो उतनी मेच्योरिटी आई हैव कि हाँ, अगर किसी को एक्सप्लोर करना है लाइफ में, किसी को कुछ और जिंदगी में ट्राई करना है, so I should never किसी को रोकना नहीं चाहिए, किसी को वो मौका देना चाहिए. ये पहले से था ये जज्बा कि हर इंसान को मौका देना चाहिए ग्रो करने के लिए? तभी तो मैं भी बच्चा था, स्टार्ट तो इतनी तो समझ मुझे थी नहीं, बट जैसे जैसे टाइम गुजरते रहा हमारे थॉट्स चेंज होते हैं, वक्त के साथ मैंने भी काफी कुछ सीखी है. पहले मुझसे भी हजारों मिस्टेक्स हुई रहेगी टीम को, एंड देन मैंने खुद को भी करेक्ट करते 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 फिर
इस लेवल तक लाया. बट आई एम वेरी हैप्पी लाइक वॉट एवर वी लाइक हम जिस तरीके से रह रहे एक फैमिली की तरह सब सही चल रहा है. अप्स एंड डाउन आते हैं एज आई सेड बट स्टिल वी आर टुगेदर. सो आई एम वेरी हैप्पी. Is this also a journey of self-exploration for Suresh? Matlab, over a period of time, Suresh has got to know and understood himself a lot? Of course, of course. I was very young when I started. Jab crew, jab form, I was just 20 years old. इतना शाय था मैं कि मुझे बात करना नहीं आता था सही से किसी से. मुझे इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं आती थी. अच्छा तो वो सब हाँ बिल्कुल भी नहीं. आई लिटरली यूज टू लाइक You speak so well, I can't even make out that you didn't know. I know. That's because मजबूरी ने मुझे सिखाया. मुझे पता था कि अगर इस इंडस्ट्री में काम करना और आगे बढ़ना है तो हमको अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा. So I remember like college days तक I never spoke English. मुझे इंग्लिश का कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं बात भी कर सकता हूँ. So जब मैंने जब काम शुरू किया, जब ये फिक्टिशियस रूप बना एंड स्लोली स्लोली हम काम करना शुरू किए, तो जब क्लाइंट्स के या किसी से मीटिंग्स होती थी या कॉल्स होते थे सब इंग्लिश बात करते थे. तो आई यूज टू गेट सो स्ट्रेस्ड कि मैं रिप्लाई कैसे करूं, बात कैसे करूं. तो मैंने उसका एक आइडिया निकाला कि आई यूज टू लाइक कॉल सेंटर्स में रोज रात को. अच्छा प्रैक्टिस के लिए. प्रैक्टिस के लिए क्या बात है, दैट्स अमेजिंग. एनीवन हु इज लिसनिंग टू दिस, यू कैन ट्राई दिस एट होम. अगर इंग्लिश नहीं आती है तो कॉल सेंटर जा सकते हैं, वहां पे फोन पे बात कर सकते हैं रात को. सो व्हाट आई यूज टू डू इज लाइक कॉल सेंटर में कॉल करो, कुछ भी टॉपिक निकालो लाइक एनीथिंग. मेरे फोन में ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, इंग्लिश में बात करते रहो, गड़बड़ हो गया तो काट दो. दिस इज सो नाइस. ये मैंने कभी नहीं सुना था, बट दिस इज सो नाइस. दिस इज अ ग्रेट वे टू प्रैक्टिस. बिकॉज देयर इज नो वन टू जज ना, वो हमको जानता है ना. आपको जानते नहीं, आप उनको जानते नहीं. सो नाइस. तो उस तरीके से करते करते लगा इट टुक लाइक 2-3 मंथ्स टू लाइक गेट इनटू दैट जोन एंड स्लोली स्लोली मैंने सीख के समझ के देन आ गया. हर जगह पर मुझे ना इतनी डिफिकल्टी फेस हुई है कि वो एंड मूवमेंट पर ऐसा लगता है इट्स ओवर. इंजरी सेकेंड राउंड से शुरू हो चुकी थी, बट स्टिल हम किसी ना किसी तरीके से उसको खींच खींच के हम चला रहे हैं. मैं और मेरा असिस्टेंट बैठे थे, मैं बोला यार अपना प्रॉब्लम ना रहे यार. नाम सुना हमने किंग्स का, किसी को कुछ हो गया. देन आई रैन एंड आई देन आई सॉ वो विजुअल मुझे आज भी याद है कि वो नीचे ऐसा सोया था, 2-3 डॉक्टर्स उसके आसपास थे.